लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शुक्रवार ने कर लिया राशि परिवर्तन, ये होगा आपकी राशि पर असर। शुक्रवार को भारतीय ज्योतिष में सौंदर्य के साथ साथ सुख का कारक माना जाता है। सिंह राशि से अब ये बुधवार की राशि कन्या में आ गया है। शुक्रवार को आचार्य रावण का गुरुवार होने के साथ साथ वृष तुला राशि का स्वामी होने का अधिकार है। 1 सितंबर तक शुक्रवार कन्या राशि में व इसके बाद तुला राशि में जाएंगे, इससे अनेक राशि में बड़ा असर होगा। ये बात मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने रतलाम के इंदिरा नगर में कही। वे भक्तों को शुक्रवार के राशि परिवर्तन से होने वाले असर के बारे में बता रहे थे। मेष राशि में असर। मेष जातकों के लिए शुक्रवार कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं, इसलिए यह समय आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। विशेषकर सेहत के मामले में आपको थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। विवाह से इतर संबंध बनाने से बचें, मुसीबत में पड़ सकते हैं। वृष राशि में असर। आपकी राशि से शुक्रवार नीच के होकर पंचम स्थान में दाखिल हो रहे हैं। संतान, शिक्षा व प्रेम संबंधों के मामले में यह समय चिंतित करने वाला रह सकता है। कला व मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कुछ समय तक समय सौभाग्यशाली रहने के भी आसार हैं। मिथुन राशि में असर। मिथुन राशि से शुक्रवार के नीचे के होकर चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए रोमांटिक जीवन में यह समय परेशानियां लेकर आ सकता है। इस समय आपको मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। कर्क राशि में असर। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रवार का परिवर्तन पराक्रम स्थान में हो रहा है। इस समय निकटतम संबंधियों के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, विशेषकर छोटी बहन से दूरियां बढ़ने के आसार हैं। सिंह राशि में असर। आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्रवार का प्रवेश हो रहा है। धन भाव में नीच शुक्रवार आपके लिए धन हानि के संकेत कर रहे हैं। व्यवसायी जातकों के लिए यह समय मंदी का हो सकता है। कन्या राशि में असर। शुक्रवार का परिवर्तन आपकी ही राशि में हो रहा है। इस समय आपके विचारों में नकारात्मकता हावी रह सकती है। बेहतर रहेगा किसी महत्वपूर्ण निर्णय को फिलहाल न लें। तुला राशि में असर। नीच राशि के होकर शुक्रवार आपकी राशि से 12वें स्थान में आ रहे हैं। इस समय आपके जहन में नए नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि में असर। आपकी राशि से शुक्रवार का परिवर्तन लाभ स्थान में हो रहा है। लाभ स्थान में नीच शुक्रवार धन लाभ मिलने का इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके भी प्रबल संकेत हैं कि आप मौज मस्ती में धन लुटाएं। धनु राशि में असर। धनु जातकों के लिए शुक्रवार 10वें स्थान में नीच के होकर गोचर करेंगे। रोमांटिक जीवन में यह समय परेशानियों वाला रहने के आसार हैं। मकर राशि में असर। आपकी राशि से शुक्र भाग्य स्थान में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको संयम, धैर्य और विवेक से काम लेने की सख्त आवश्यकता रहेगी। दरअसल आपकी प्रवृत्ति इस समय झगड़ालू होने के आसार हैं। कार्यक्षेत्र में आप किसी से उलझ सकते हैं। कुंभ राशि में असर। आपकी राशि से अष्टम भाव में नीच राशि के शुक्र का गोचर करना दुर्भाग्य के संकेत कर रहा है। यह समय आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। यात्रा के दौरान सावधान रहें। यदि वाहन स्वयं चला रहे हों तो विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मीन राशि में असर। सप्तम भाव में नीच के शुक्रवार का आना आपके लिए दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि का कारण हो सकता है। अविवाहित प्रेमी जातकों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहने के आसार हैं।